वह स्त्री मर गई। अब पुनर्धान में वह सातों में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोगों ने तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़ रहे हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती, बल्कि वे स्वर्ग दूतों के सदृश होती हैं। जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मसीह दाऊद के पुत्र। ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? वे किसके पुत्र हैं? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? उन्होंने तो लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहोगे जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वे उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी को उनसे और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु की वाणी है। നാം ലോകം മുഴുവനും പോയിടാം, സുവിശേഷവുമായി പോയിടാം നാം യേശുവിനാൽ സാക്ഷികളായി.